हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। सर्वजन शांति यानी कि सार्वभौमिक शांति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है। आज हम आपको भगवान बुद्ध के उपदेशों का संस्मरण कराते हुए दार्जिलिंग के जापानी मंदिर की सैर कराते हैं। यहाँ के लोग यार बहुत सीधे साधे और भोले भाले से लगते हैं। बौद्ध धर्म में शांति एक मुख्य सिद्धांत है जो किसी जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को एक दूसरे के करीब लाता है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए भारत देश में भी कई बौद्ध मंदिर हैं जो जन जन के बीच शांति फैलाकर लोगों को एक नई राह दिखा रहे हैं। इन्हीं सारे मंदिरों में से एक है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जल पहाड़ नाम की पहाड़ी पर स्थित जापानी मंदिर। पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में बना हुआ जापानी मंदिर भगवान बुद्ध के उपदेशों को बढ़ावा देते हुए निप्पोजन म्योहोजी बौद्ध अनुक्रम का पालन करता है। दार्जिलिंग के हरे भरे परिदृश्य के बीच में बसा यह दो मंजिला जापानी मंदिर आंखों को सुकून के साथ साथ शांति भी प्रदान करता है। दार्जिलिंग का यह बौद्ध मंदिर जिसका निर्माण जापानी वास्तु शैली में किया गया है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही दो स्वर्ण रंग के शेर पर्यटकों का स्वागत करते हुए विराजमान है जो पर्यटकों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं। चलो उठो पूरी धीरे धीरे आस्ते आस्ते उठो तुम। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको एक बड़े से प्रार्थना घर में स्थापित बुद्ध प्रतिमा नजर आएगी। निप्पोजन म्योहोजी बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाले इस जापानी मंदिर को निचिदास्तु फुजी द्वारा स्थापित किया गया था। निप्पोजन म्योहोजी दाइसोंग एक धार्मिक आंदोलन था जिसने निचरेन बौद्ध धर्म नाम के उपधर्म को जन्म दिया। निप्पोजन म्योहोजी दाइसोंग की खोज सन 1917 में निचिदास्तु फुजी द्वारा की गई। अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध यह कंचनजंगा शिखर सहित बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है जो इसे शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। जापानी मंदिर के दर्शन होते ही आप मंदिर के पास में ही स्थित शांति के पगोडे की ओर बढ़ेंगे। पर्यटकों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती है। दार्जिलिंग में बसा यह शांति का पगोड़ा एक बौद्ध स्तूप है जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है। एक खास तरह का आकर्षण लिए हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे बनाने में 36 महीने लगे। इसमें मैत्रेय बुद्ध सहित बुद्ध के चार अवतार हैं। यह लौकिक शांति और एकता के विचार को भी बढ़ावा देता है। इस शांति के पगोड़े में भगवान बुद्ध की चार मूर्तियां स्थापित हैं, जो बुद्धा के अलग अलग अवतारों का चित्रण करते हैं।
पगोड़ा के चारों ओर चक्कर लगाकर आप बुद्ध की जीवन कथाओं के बारे में जान पाएंगे, जिनका चित्रण पगोड़ा में नक्काशियों द्वारा किया गया है। शांति पगोड़ा की यह सफेद रचना समानता, विश्व शांति और अहिंसा को दर्शाती है। मंदिर का चमकता हुआ जीवंत परिवेश, खूब सारे बौद्ध देवताओं के चित्रों के साथ हर बार पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में दिन में दो बार आयोजित होने वाले प्रार्थना सभा में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अब जब भी पश्चिम बंगाल के इस हिल स्टेशन दार्जिलिंग की सैर पर जाएं, इन खूबसूरत और अद्वितीय रचनाओं का दीदार करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।